बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ज़ाफ़रानी बिरयानी की रेसिपी दूंगी। इसके लिए आपको 1.5 kg चिकन का गोश्त चाहिए, 4 कप आपको चावल चाहिए, 1 कप दही चाहिए, 1 कप तेल, केवड़ा बटर और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, 2 मीडियम साइज के ऑनियन, 100 ग्राम मक्खन और तकरीबन 12 अदद काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 12 अदद लौंगे, 6 अदद सब्ज़ इलायची और जायफल जिसे नटमेग भी कहते हैं, ये मैंने तोड़ कर रखा हुआ इधर इस तरह से, और 3 अदद बड़ी इलायची, 1/2 टीस्पून आपको कुटी हुई सुर्ख मिर्च चाहिए, 1 टीस्पून आपको जीरा साबुत जीरा चाहिए और 1/2 टीस्पून आपको शाही जीरा जिसे काला जीरा भी कहते हैं वो चाहिए और 2 अदद तेज पात या बे लीव्स चाहिए और 1 टीस्पून भरकर आपको सुर्ख मिर्च चाहिए, सुर्ख मिर्च पाउडर और हसबे जरूरत नमक, 1 टीस्पून आपको धनिया पाउडर, जाफरान, रेड कलर और ऑरेंज कलर चाहिए होगा। सबसे पहले आप तेल गर्म कर लें, आप प्याज को डाल दें ब्राउन करने। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही आप अदरक लहसुन पिसा हुआ भी डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूसरी तरफ मैंने चावलों को धोकर भिगो लिया और पानी उबलने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ मैंने जो आपको मसाले बताए थे उनमें से मैंने 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी और 6 अदद लौंग और 6 अदद काली मिर्चें वो मैंने अलग से निकाल के रख ली थी क्योंकि पानी हमारा बॉयल होगा तो हम उसमें ये डालेंगे चावलों के लिए और बाकी सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे। धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च, नमक और ये सारे मसाले हम चिकन में डाल देंगे। और इसको फिर अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन में आप थोड़ा सा जाफरान भी ऐड कर दें। दूसरी तरफ पानी बॉईल हो गया, इसमें आप नमक, ये सारे मसाले, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून चावल भी डाल दें। चावलों को आपने 2 कनी रखकर पकाना है, यानी इसको पूरा नहीं पकाना, आपने थोड़े से कच्चे रखने हैं चावल। अब चावलों को मैं छान लूंगी, ये देखें अभी इसमें कनी है, अब ये पूरी तरह से पके नहीं है, अब इनको मैं छान लूंगी। अब चावलों को उबालकर मैंने इनको छान लिया था, अब ये जो मैंने आपको मक्खन बताया था 100 ग्राम, अब आपने इन चावलों में मक्खन डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लें फिर बाद में। उसी तरफ आप 1/2 टीस्पून इसमें केवड़ा बटर डाल दें और दही भी ऐड कर दें और फिर अच्छी तरह से भून लें। आपने इसे अच्छी तरह से भून लेना है कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई करना है आपने। अब मैंने आधे चावलों की तह बिछा ली है और आधे चावल निकाल लिए हैं। अब आपने चावलों पे ये चिकन डाल देना। अब आप फिर से चावलों की तह लगा लें। अब आप ऊपर थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा सा ऑरेंज कलर और थोड़ा सा जाफरान डाल दें। इसके ऊपर आप 1 टीस्पून केवड़ा वाटर थोड़ा थोड़ा डाल दें।
अब इसका मैं एल्युमिनियम रखकर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम लगा दूंगी। ज़ाफ़रानी बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है, इसका हम दम खोलेंगे। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ज़ाफ़रानी बिरयानी हमारी तैयार है, जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मजेदार है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।